नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी लोकसभा चुनाव के लिए तेज हुए प्रचार की, ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की, देखेंगे कैसे मुश्किल में घिरते दिख रहे हैं पीएम मोदी, चुनाव में बीजेपी की बढ़ती मुसीबतों की, जानेंगे अब जेल से केजरीवाल ने भेजा क्या संदेश, और बुलेटिन के आखिर में बात पुलिस कार्रवाई पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी, आदित्य श्रीवास्तव ने किया टॉप। लोकसभा चुनाव के लिए आपने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम भी शामिल। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस बुधवार को जारी करेगी अपना घोषणा पत्र, पार्टी कई भाषाओं में जारी करेगी घोषणा पत्र। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सोलवी लिस्ट जारी की, झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम का किया ऐलान, पार्टी ने अब तक उतारे 275 उम्मीदवार। शेयर बाजार में गिरावट, 456 अंकों की गिरावट के साथ 72,943 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 124 अंकों की गिरावट के साथ 22,147 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव में पहले चरण के लिए बुधवार शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। 19 अप्रैल को 101 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार थमने से पहले राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी, तो बीजेपी के लिए पीएम मोदी ने प्रचार की कमान संभाली। तो आज प्रचार में क्या रहा खास, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेता अलग अलग क्षेत्र में रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केरल के 4 दिन के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने कोझिकोड के कोडियाथुर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी कथित तौर पर संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी भारत के 5-6 बड़े बिजनेसमैन की कठपुतली बन गए हैं। राहुल ने कहा कि मोदी में देश चलाने की समझ नहीं है, उनका काम लोगों को असली मुद्दों से भटकाना है। जब लोगों की कोविड से जान जा रही थी, तब पीएम कह रहे थे थाली बजाओ। इस पर मीडिया ने उन्हें जीनियस कहा। अगर देश के किसी अन्य नागरिक ने थाली बजाओ कहा होता तो उसे लाठी से पीटा जाता या जेल में डाल दिया जाता। तो वहीं एक इंटरव्यू में चुनावी बॉन्ड पर बात करते हुए राहुल ने कहा कि ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हफ्ता वसूली योजना है। उन्होंने पीएम मोदी को इसका मास्टरमाइंड बताया। राहुल ने दक्षिण में कांग्रेस की कमान संभाली है, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पूर्वी क्षेत्रों के दौरे पर है। प्रियंका ने मंगलवार को असम और त्रिपुरा में रोड शो किया, यहाँ उनसे मिलने के लिए जन सैलाब उमड़ आया। प्रियंका ने कहा कि जनता ने मन बना लिया है, मोदी सरकार के अन्याय और अत्याचार को करारा जवाब दिया जाएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी आज बिहार के गया और पूर्णिया में थे। यहां संविधान बदलने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर भी संविधान को नहीं बदल सकते, तो बीजेपी इसकी हिम्मत कैसे कर सकती है। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग है, लेकिन वोटिंग से पहले ही काउंटिंग कैसे कराई जाए, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि ईवीएम की काउंटिंग के साथ ही वीवीपैट की पर्ची भी गिनी जाए। तो कोर्ट में वीवीपैट के पक्ष में दी गई क्या दलीलें, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों में काउंटिंग के दौरान वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रेल की सभी पर्चियों को गिना जाए या फिर पहले की तरह ही ईवीएम से ही काउंटिंग की जाए, इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दलील देते हुए कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है कि मतदाता को पता हो कि उसका वोट किसके हक में गया है। वोटर को 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखाई देती है। हम चाहते हैं कि या तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए या फिर वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में आए और वो इस पर्ची को एक बॉक्स में डाले, इसे गिना जाए। दरअसल वीवीपैट पर्चियों की 100% वेरिफिकेशन को लेकर एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने अगस्त 2023 में याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया कि वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए, जिससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण और संजय हेगड़े ने पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को सुना। प्रशांत भूषण ने जर्मनी चुनाव का जिक्र भी किया, जहां वीवीपैट का डिजाइन बदला गया है। प्रशांत भूषण के सवाल पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने पूछा कि जर्मनी की जनसंख्या कितनी है। इस पर भूषण ने बताया कि 5 से 6 करोड़ और भारत में 50 से 60 करोड़ वोटर हैं।
जिस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि यहां कुल रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या 97 करोड़ है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि क्या 60 करोड़ वीवीपैट पर्चियों की गिनती होनी चाहिए। वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि चुनाव आयोग का कहना है कि सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती में 12 दिन लगेंगे। प्रशांत भूषण ने कहा कि अभी ये लोग हर लोकसभा सीट में केवल 5 वीवीपैट मशीन की गिनती करते हैं, जबकि वहां पर 500 मशीनें होती हैं। इसे सही नहीं ठहराया जा सकता और कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। आगे की सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। कोर्ट में अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई है, ऐसे में ये तो तय है कि वोटर के हाथ में इस बार पर्ची नहीं आएगी। पर्ची गिनी भी जाएगी, इस पर सवाल बने हुए हैं। तो दूसरी तरफ सवाल पीएम मोदी के चुनाव प्रचार को लेकर भी उठ रहे हैं। एक बार फिर कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। तो क्या कहा कांग्रेस ने अपनी शिकायत में, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। यहां उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान बताया। साथ ही पीएम ने विपक्षी पार्टी पर देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने का खतरनाक इरादा रखने का आरोप लगाया। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, लूट के कारण सरकार का खजाना खाली है, विकास और कल्याणकारी योजनाएं बंद की जा रही है। कांग्रेस को चुनाव लड़ने में मदद करने के लिए कर्नाटक से देश भर में करोड़ रुपए का काला धन भेजा जा रहा है। ये है कांग्रेस के शासन का मॉडल। महाराजा कॉलेज मैदान में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत वो भूमि है जहां माताएं अपने बच्चों को देश की सेवा के लिए सशस्त्र बलों में भेजने का सपना देखती हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनती जा रही है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश से नफरत करने की सारी हदें पार कर दी है। कर्नाटक में कांग्रेस ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए कांग्रेस पर की गई टिप्पणी के लिए शिकायत की। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने इस साल की बात में अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बहिष्कार किया था और विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हिंदू धर्म की ताकत को नष्ट करने की इच्छा रखने का आरोप लगाया था। पीएम मोदी के खिलाफ लगातार चुनाव आयोग में आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें हो रही हैं, तो कोर्ट में भी ये मामले पहुंच रहे हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर भी टकराव दिख रहा है। पार्टी के कार्यक्रम में अफरा तफरी देखी जा रही है। यूपी, कर्नाटक, राजस्थान, हर जगह पार्टी की फजीहत हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव के मतदान से पहले बीजेपी में घमासान छिड़ गया है। एक तरफ बीजेपी नेता मंच पर लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार में मंत्री मंच छोड़कर जा रहे हैं। कहीं बीजेपी नेताओं के बयानों को लेकर विवाद है, तो कहीं जनता के सवालों से बचकर भागते नेताओं के खिलाफ जनता में गुस्सा नजर आ रहा है। पहला मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का है, जहां बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बीजेपी नेता मंच पर ही आपस में भिड़ते हुए नजर आए। इस दौरान वहां मंच पर अमरोहा जिलाध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी और राज्य मंत्री बृजेश सिंह भी मौजूद थे। दोनों नेताओं के बीच मामला मारपीट तक पहुंच गया और बृजेश सिंह के सुरक्षाकर्मी को बीच बचाव के लिए आना पड़ा, जबकि जिलाध्यक्ष तमाशबीन बने रहे। मामले में सवाल करने पर गोस्वामी ने मारपीट से इनकार करते हुए मामले को खत्म करने की बात कही। तो वहीं बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक सार्वजनिक सभा से भागते हुए नजर आ रहे हैं, तो लोगों में काफी गुस्सा नजर आ रहा है। सभा में तेजस्वी सूर्या से सहकारी बैंक नियमितता SGR SBN से जुड़े करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर सवाल जवाब किए गए। घोटाले के पीड़ित लोगों का सवाल था कि उन्हें मिलने वाले भुगतान में देरी क्यों हो रही है। इसे लेकर माहौल गर्माता देख तेजस्वी सभा से चले गए। इसे लेकर तेजस्वी की किरकिरी तो हो ही रही है, इसके साथ ही आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान तेजस्वी के समर्थकों ने लोगों से धक्का मुक्की की और मारपीट भी की। एक तरफ सभा से बीजेपी सांसद भाग खड़े हुए, तो जयपुर में किरोड़ी लाल मीणा की सभा में जनता नदारद रही, जिसके बाद राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल ने बीजेपी मंडल पदाधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और मंच छोड़कर चले गए। इन सभी मामलों को देखते हुए बीजेपी कमजोर होती हुई नजर आ रही है और जनता में पार्टी के खिलाफ आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव बेहद मुश्किल होता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ मुश्किल में आम आदमी पार्टी भी दिखाई दे रही है। चुनाव के दौरान पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जेल में है, ऐसे में उनके संदेश को आप लोगों तक पहुँचा रही है। आज आप सांसद संजय सिंह ने केजरीवाल के संदेश को पढ़ा, तो क्या कहा है केजरीवाल ने, देखिए इस रिपोर्ट में।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर चारों तरफ से हमला बोला। आप सांसद संजय सिंह ने बताया कि देश और दिल्ली की जनता के लिए बेटे और भाई की तरह काम करने वाले अरविंद केजरीवाल ने जेल से संदेश भेजा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं देशद्रोही नहीं हूँ। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आप अरविंद केजरीवाल के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? प्रधानमंत्री अपनी दुर्भावना में इस कदर बढ़ चुके हैं कि केजरीवाल के परिवार और बच्चे से मुलाकात शीशे की दीवार लगाकर कराई जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जेड प्लस की सुरक्षा है, उनकी केजरीवाल से मुलाकात के वक्त बीच में शीशे की दीवार थी। बीजेपी ने इस कार्रवाई से जाहिर कर दिया है कि उनकी केजरीवाल से नफरत की भावना है। संजय सिंह ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी में रखा जा रहा है और प्रताड़ित करने की योजना है, मनोबल गिराने की कोशिश की जा रही है, परिवार को अपमानित किया जा रहा है। ये अरविंद केजरीवाल दूसरी मिट्टी के बने हैं, आईआरएस सेवा छोड़कर आए हैं, तोड़ने की कोशिश में और मजबूत होंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की 15 अप्रैल को तिहाड़ जेल में मुलाकात हुई थी। इसके बाद बाहर आते हुए भगवंत मान भावुक हो गए थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आप आक्रामक है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के सामने रामदेव पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं। आज एक बार फिर पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के मामले में उन्होंने कोर्ट के सामने माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आज पतंजलि के विज्ञापन मामले में रामदेव के माफीनामे पर सुनवाई हुई। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने व्यक्तिगत तौर पर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि पतंजलि की माफी स्वीकार नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव से पूछा कि आपने कहा था कि कुछ और भी दाखिल करना चाहते हैं, कुछ अतिरिक्त दाखिल किया गया? इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमने अभी कुछ फाइल नहीं किया है, लेकिन हम सार्वजनिक माफी मांगना चाहते हैं। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन के लिए अखबार में सार्वजनिक माफी प्रकाशित करने की भी पेशकश की है। जस्टिस कोहली ने रामदेव से कहा कि आप मशहूर हैं, योग के क्षेत्र में आपने काफी काम किया, आप बिजनेस भी करने लगे। तभी सुप्रीम कोर्ट के वीडियो का प्रसारण बाधित हो गया, 3 मिनट बाद सिर्फ ऑडियो आया। जस्टिस कोहली ने कहा कि ये वादा सिर्फ संयोग है, हमारी तरफ से कोई सेंसरशिप नहीं है। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि ये भूल अज्ञानता में हुई है, हमारे पास सबूत है। रामदेव ने कहा कि हमने उत्साह में आकर ये कर दिया, हम आगे सजग रहेंगे, हम एलोपैथी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, इस तरह की गलती दोबारा नहीं होगी। रामदेव ने कहा कि मैं आगे से जागरूक रहूंगा, मैं जानता हूं कि करोड़ों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। इसके बाद जस्टिस कोहली ने कहा कि आपका पिछला इतिहास खराब है, हम इस पर विचार करेंगे कि आपकी माफी स्वीकार की जाए या नहीं। आपने लगातार उल्लंघन किया है, सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई आपको बता दें कि 23 अप्रैल को होगी। और बुलेटिन के आखिर में बात जम्मू कश्मीर पुलिस पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस बल को और जिला मजिस्ट्रेट को जोरदार फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है और पुलिस स्टेट नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने भारत के लोकतंत्र को लेकर और भी कई अहम टिप्पणी की। तो क्या है पूरा मामला, क्यों कोर्ट ने देश में लोकतंत्र को लेकर कही इतनी बड़ी बात, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने पुलिस बल और जिला मजिस्ट्रेट को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल जम्मू कश्मीर के शोपिया के जफर अहमद को पिछले साल PSA के तहत अपने खिलाफ दर्ज किए गए मामले को लेकर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में याचिका उन्होंने दाखिल की थी। इस याचिका में अहमद ने अपनी हिरासत को चुनौती दी थी। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता जफर अहमद की रिहाई के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने इस केस पर कई अहम टिप्पणियां भी की हैं। हाई कोर्ट में जस्टिस राहुल भारती की पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत एक पुलिस स्टेट नहीं है, बल्कि एक लोकतांत्रिक देश है। कोर्ट की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जो कानून के शासन की ओर से शासित है, ऐसे में पुलिस किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किए बिना उसे हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं कर सकती है। कोर्ट में कहा गया कि इस तरह लोगों को किसी भी तरह हिरासत में लेना उनके मौलिक अधिकार को कमजोर करता है। इसके साथ ही कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा कि अगर याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मामला ही दर्ज नहीं है तो उन्हें किस वजह से उठाया गया और उनसे पूछताछ की गई। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए DB Live। नमस्कार।